ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्मीद है अच्छे होंगे मैं भी बहुत बढ़िया हूँ दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में तो ये जो है हमारा हमने जो है आज कल मैंने आपको यू की जो वीडियो कराई थी उसका 16 क्वेश्चन है आज मैं अभी आपको इस वीडियो में पंद्रह क्वेश्चन कराऊँगा अगली क्लास में आपको पूरा सेट कम्प्लीट करा दूंगा तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें साथ में बेलाइकन दबा दें वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहें तो आपका जो है निम्नलिखित शोधों में से किस में तो स्थापना के प्रयास किए जाते हैं घटना दर्श डी जो है वो आपका सही उत्तर है प्रयोगात्मक अध्ययन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज नियंत्रित परिवेश में किए गए प्रयोगिक अनुसंधान का लक्ष्य किसी सिद्धांत का परीक्षण करना या सैद्धांतिक व्याख्या का निर्माण करना है घटना दर्श वेत एक अवधारणा या घटना के बारे में कई व्यक्तियों के लिए जीवित अनुभवों के अर्थ का वर्णन करने पर घटना दर्शवतान केंद्रित रहता है अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो आपका सत्रहवा प्रश्न होगा नीचे दी गई विशेषताओं में से गुणात्मक शोध की पहचान करें यह प्रतिभागी के परिप्रेक्ष्य से घटना के अवबोध से संबंधित है इसमें यह माना जाता है कि सामाजिक तथ्य केवल एक वास्तुनिष्ठ यथार्थ से जुड़े होते हैं शोधार्थी वर्तमान या भूतकालिक परिस्थितियों में निगमन हो जाता शोधार्थी पूर्व ग्रह से बचने के लिए अपने आप को अध्ययन से दूर कर लेता है इसमें प्रणाली एवं शोध प्रक्रिया दोनों में लचीलापन होता है नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए केवल ए सी और ई e, केवल ए बी और सी केवल बी सी और डी केवल सी डी और ई e. ए जो है वो आपका दोस्तों सही उत्तर है केवल A, और ई e, डी वाला आपका नहीं है देखिए कौन कौन से थे घटना का अर्थ वो संबंधित होता है शोध प्रक्रिया से समझा जा सकता है शोधार्थी को वर्तमान अथवा भूतकाल की परिस्थितियों का पता चले और घटनाओं का सामान्यकरण हो सके अगले प्रश्न की ओर चलते हैं यहां आपकी मैचिंग आ गई है सुमेलन है तो सूची एक को सूची दो के साथ मिलाइए तो यहाँ आपकी सूची एक है वो शोध पद्धतियाँ पद्धतियाँ हैं और सूची दो जो है वो आपकी मुख्य विशेषताएं हैं तो प्रयोगात्मक कार्योत्तर वर्णात्मक और ऐतिहासिक आंतरिक समलोचना पर बल देते हुए प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों का समावेश होता है पर परिस्थितियों एवं तथ्यों की स्थिति सुनिश्चित की जाती है दूसरे चर पर प्रभाव देखने के लिए एक चर में हेरफेर किया जाता है विभेद का संज्ञान लेते हुए अथवा अन्य कारक सुनिश्चित किए जाते हैं तो जो है आपका सी वाला ऑप्शन सही है थर्ड फोर्थ सेकंड वन यहां पे जो है पहले का तीसरा दूसरे का चौथा तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला यहां समझाया भी गया है एक्सपो पोस्ट फैक्टो रिसर्च मेथड और आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड। तो दोनों को समझाया गया है ऐतिहासिक शोध विधि अब नीचे दो कथन दिए गए हैं तो कथन आपके कुछ इस प्रकार हैं कथन एक है अनुसंधान में प्रदत्त विश्लेषण एक तकनीकी कार्य होने के कारण अनुसंधान आचार शास्त्र अधिक महत्वपूर्ण नहीं है कथन दो है अनुसंधान के लगभग प्रत्येक चरण में आईसीटी सहायक होता है उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए ए है आपका कथन एक और दो दोनों सत्य हैं कथन एक और दो दोनों असत्य हैं कथन एक सत्य लेकिन कथन दो असत्य कथन एक सत्य लेकिन कथन दो सत्य है तो डी आपका सही है कथन एक असत्य लेकिन कथन दो सत्य अगला प्रश्न है आपका नीचे दो कथन दिए गए हैं एक अभिकथन असरसन एक के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण रीजन आर के रूप में है अभिकथन जब निराकरणीय परिकल्पना एच जीरो अस्वीकृत कर दी जाती है तो अनुसंधानकर्ता की परिकल्पना एच वन स्वीकृत हो जाती है कारण आर है निराकरणीय परिकल्पना एच जीरो एक संयोगिक परिकल्पना है और ऐसा एच वन सत्य होने के कारण अनुसंधानकर्ता की परिकल्पना स्वीकृत की परि में आ जाती है उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए ए है आपका ए और आर दोनों सही हैं आर ए की सही व्याख्या है बी आपका ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है सी आपका ए सही है लेकिन आर सही नहीं है और डी है ए सही नहीं है लेकिन आर सही है तो ए आपका सही है ए और आर दोनों सही हैं आर ए की सही व्याख्या है निम्नलिखित में से कौन अकथनीय संकेत का अनन्य उदाहरण है जिसमें आरोह अवरोह पिच दर रेट मात्रा वॉल्यूम और विराम पॉज का प्रयोग शामिल है संप्रेषण देखिए मॉडल संवादीय पद्धति अकथनीय संकेत और पराभाषा तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है डी है आपका पराभाषा प्रॉक्सीमिक्स गैस्चर फेशियल एक्सप्रेशन और पैरा लैंग्वेज ठीक है ये आपकी चारों चीजें हैं पैरा लैंग्वेज हम हूं ओ इत्यादि होती हैं। चलिए नीचे दो कथन दिए गए हैं एक अवकथन और दूसरा तर्क तो अभिकथन है आपका आपका संप्रेषण के संदर्भ में अवधारणात्मक प्रक्रिया शाब्दिक ध्वनि उत्पादित उत्पादित करती है जिसे शाब्दिक शोध वर्ड न्योज कहते हैं वर्ड नॉइज कहते हैं तर्क है, है भावार्थक या वस्तुवर्थक दोनों के लिए विभिन्न अर्थों के स्रोत शाब्दिक शोध ही हैं तो ये जो है आपका ए और, और आर दोनों सही हैं, आर एक की सही व्याख्या है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं है ए सही है लेकिन आर सही नहीं है ए सही नहीं है लेकिन आर सही है तो ए आपका सही है दोनों सही हैं, आर एक की सही व्याख्या है अब आपके फिर से दो कथन है यह अभिकथन और तर्क वाला नहीं है तो आपके जो कथन है कथन एक है प्रभावी वाचिक संप्रेषण हेतु सटीक शब्दों का चयन आवश्यक है कथन दो है मौखिक भाव एवं भंगिमा दस्य संप्रेषण के अधीन है दोनों कथन आपने पढ़ लिए अब विकल्प है कथन एक और दो दोनों सही है कथन एक और दो दोनों असत्य हैं कथन एक सत्य है दो असत्य कथन एक असत्य कथन दो सत्य है तो आपका सही उत्तर है एक और दोनों सही है अधोलिखित सूची में से संप्रेषण की बाधाओं को पहचाने ए समय और दूरी बी है उपेक्षित अनुदेश सी है सोच एवं विचार को कूटबद्ध करना डी है सोच एवं विचार को विकूटबद्ध करना और ई e. है तार्किक क्रम तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए केवल ए और बी केवल बी और सी केवल सी और डी केवल डी और ई e. तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है ए है आपका केवल ए और बी सूची एक के, सूची दो से मिलान कीजिए यहाँ आपकी मैचिंग है संप्रेषण के प्रकार और मुख्य विशेषताएं अधोगामी संप्रेषण उपरिगामी संप्रेषण क्षैतिज संप्रेषण इधर आपकी विशेषताएं हैं और आपका चौथा जो पॉइंट है वो है ग्रेप बाइम संप्रेषण तो चौथा आपका ये यह है यहाँ आपके नीचे कोड दिए हुए हैं तो आपका कोड है चौथा सही है आइए देखते हैं अधोगामी संप्रेषण किसी भी संस्था का यह सर्वमान संप्रेषण तंत्र है जिसमें ऊपर से नीचे सूचनाओं का प्रसारण होता है संप्रेषण वर्तमान विषय एवं समस्याओं की प्रतिपुष्टि के साथ व्यवस्थित करता है सूचनाओं का प्रसारण नीचे से ऊपर होता है क्षेत्र संप्रेषण कार्य समन्वय हेतु निर्णय लेने में एक उपयोगी माध्यम सूचनाओं का प्रसारण समकक्ष स्तर पर होता है अब ग्रेप वाइन संप्रेषण संस्था के सदस्यों में संप्रेषण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक अनौपचारिक संचार प्रणाली है यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 25 है तो लाभ की प्रतिशतता क्या है 100, 200, 300, 400। तो सी जो है आपका वो कितना हो जाएगा 300। माना देखिए विक्रय मूल्य कितना है 100 और क्रय मूल्य 100 का 25 तो आपका हो गया पच्चीस तो 100 माइनस पच्चीस तो लाभ क्रेमुल 175 अं पच्चीस सेंट तो 3 इंटू 100 300 तो 300 परसेंट। एक विक्रेता 26 किलो चावल 20 सौ किलो के दर पर खरीद कर उसमें दूसरे प्रकार के 30 किलो चावल मिला देता है जिसने उसे 36 सौ किलो दर पर खरीदा था और इस प्रकार मिश्रित हुए चावल को 30 किलो के दर पर बेचता है उसके लाभ की प्रतिशत क्या होगी तो पाँच परसेंट होगी सिंपल है देखिए छब्बीस प्लस तीस छप्पन किलोग्राम तो आपके टोटल चावल हो गए और छब्बीस उसने बीस रुपए की रेट से खरीदे और तीस किलो छत्तीस की तो आपने दोनों को टोटल कर दिया सोलह सौ रुपये हो गए छप्पन इंटू तीस तो आपके सोलह सौ अस्सी बस और सोलह सौ अस्सी माइनस सोलह सौ अस्सी और आपके परसेंटेज में निकाल दिया तो पाँच परसेंट हो गई एक दुग्ध विक्रेता रुपये एक्स लीटर के दर पर दूध खरीद कर टू एक्स लीटर के दर पर बेचता है बावजूद इसके बाद दो लीटर पानी प्रत्येक छः लीटर दूध शुद्ध दूध में मिला देता है उसके लाभ की प्रवश्यकता क्या है तैतीस पॉइंट थ्री थ्री छियासठ पॉइंट सिक्स सिक्स एक सौ तैंतीस पॉइंट थ्री थ्री और एक सौ छियासठ पॉइंट सिक्स सिक्स तो आपका डी जो है सही है एक सौ छियासठ पॉइंट सिक्स सिक्स देखिए यहाँ पर सॉल्व कर दिया है पूरा तो आपका निकल आ गया अगला प्रश्न है पी और क्यू की औसत मासिक आय पचास पचास रुपए है क्यू और आर की औसत मासिक आय बासठ सौ पचास रुपए पी और आर की औसत मासिक आय बावन सौ रुपए है पी की मासिक आय कितनी होगी तीन हजार रुपये पैंतीस सौ रुपए चार हजार रुपये और पैंतालीस सौ रुपए तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है सी हो जाएगा चार हजार रुपये अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अगला प्रश्न है आपका कुछ चार संख्याओं का औसत बीस है तथा पहली संख्या शेष है संख्याओं के योग को एक वोटर तीन है पहली संख्या का मान क्या है तो पहली संख्या का मान हो जाएगा आपका बीस आइए देखते हैं कैसे ये करते हैं ए बी सी तथा डी है चारों संख्याओं का औसत बीस है तो ए प्लस बी प्लस डी अपन फोर इजल टू बीस तो बीस इन चार ए बी सी डी प्लस इज्वल टू अस्सी प्रश्न अनुसार पहली संख्या शेष तीन संख्याओं का योग एक वोटर तीन है तो ये आपने लिख दिया ए बराबर बनवाई थी बी प्लस सी प्लस डी एजगोल टू वन तथा बी प्लस इवले एज गल टू थ्री फोर इकाई अस्सी एक इकाई बीस तो एजगल टू बीस चलिए तो यहाँ आपके पूरे ये वाले प्रश्न होते हैं अगले वीडियो में आपको बीस प्रश्न करा दूंगा ये सेट कंप्लीट हो जाएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें डेली आपको कुछ ना कुछ दूंगा ही नेट के लिए कुछ ना कुछ अपलोड होता ही रहेगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में राधे राधे धन्यवाद